सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ फैन एनिमेशन कि अगर हमें अपने बेडरूम के अंदर एक फैन को कंटिन्यूस रोटेशन पर घूमते हुए दिखाना है तो उसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो सैंपल दिखा देता हूँ जो मैंने आज रेडी किया है। आप ये देख सकते हैं मेरा फैन जो है वो कंटिन्यूस घूम रहा है। उसकी स्पीड मैंने अभी काफी तेज करी हुई है, बट मैं आपको स्पीड स्लो ज्यादा करना भी सिखा दूंगा उसके अंदर कैसे होता है। तो ये कुछ हमारी एनिमेशन है, ठीक है, ये मैं आज आपको बनाना सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फैन का मॉडल लेना है। ये आप 3D स्काई से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका जो लिंक या फिर आप उसको सर्च करेंगे फैन कर तो आपको ये एक फैन का जो है मॉडल मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से इसको अपने सीन के अंदर मर्ज करने वाला हूँ। ठीक है, ये देखो, ये हमारा फैन जो है वो आ चुका है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको बिल्कुल मैं जहां पर अपने सीन के अंदर लगाना है वहां लगा लेता हूँ। यहां से हम इसकी थोड़ी सी जो ये पाइप है इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे सीन के अंदर जो फैन है वो लग चुका है। थोड़ी सी लंबी हो गई है इसकी भाई। ठीक है, तो ये हमारे सीन के अंदर हमारा फैन लग चुका है, सबसे पहला स्टेप। अभी आप देख लो कि इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है फैन के अंदर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको हाइड करना है, पहले आइसोलेट करना है, सॉरी। एंड अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करने वाले हैं जिसकी वजह से हमारा फैन जो है वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो हमें सिर्फ अपने ये जो पंखड़ी है ना इसको रोटेट करना है, पूरे फैन को रोटेट नहीं करना है। तो इसको हम पहले अनग्रुप कर लेंगे। अभी आप देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है अनग्रुप करने का, इसका मतलब हमें इसमें से डिटैच करना पड़ेगा। तो ये एडिटेबल पॉली आ चुका है, यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर एलिमेंट का जो जो चीज मेरी मूव होनी है सिर्फ उसको सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ से मैं इसको डिटैच कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप ये देखो मेरा जो पैन है और मेरा जो ऊपर इसके पंखड़ियां वगैरह जो भी है ये सब अलग अलग हो चुका है। मतलब जो चीज मुझे रोटेट करनी है वो बेसिकली मेरी अलग हो चुकी है। ठीक है, अब तो अब आपको इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको एनिमेशन डालनी है। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑटो की का ऑप्शन ऑन करना है। ठीक है, एक सेकेंड, हम यहाँ पर आएंगे 15 पर या 20 पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी ऑटो की ऑन करता हूँ एंड आपको अपने फैन के जो ये फैन जो आपकी पंखड़ियाँ है इसको पूरा यहाँ से मूव कर एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे प्ले करेंगे तो आप देखो अभी ये नहीं चल रहा है, बट ये शुरू में कुछ यहाँ से लेकर 20 तक जहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है ये यहाँ तक तो मूव होगा। ठीक है, ये इससे स्पीड जो हमारी स्पीड होती है वो हमारी यहाँ से कंट्रोल वगैरह होती है। लाइक जितना मैं इसको पास लेके जाऊंगा उतना ये तेज घूमेगा, जितना मैं इसको दूर लेके जाऊंगा उतना ये स्लो चलेगा। तो ये फिलहाल के लिए स्पीड अभी हम रखते हैं अपनी, दोबारा से देख लो एक बार आप। अगर आपको फिर भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पर 35-40 के आसपास भी रख सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको यहाँ पर 35 के पास लेके आता हूँ, ठीक है, ये देखो स्लो हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फैन है वो प्रॉपर जो मेरी टाइमलाइन है वहां तक जो है वो कंटिन्यूस है वो रोटेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें आना है यहाँ पर ग्राफ एडिटर पर। यहाँ पे हम ये ट्रैक व्यू कर्व एडिटर को चूज करेंगे। आपको देखो ये रोटेशन पर ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, एक पॉइंट ऊपर है ये हमारा और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर नीचे है। तो आपको एक ये वाला सेलेक्ट करना है एंड एक ये वाला सेलेक्ट करना है, मतलब दोनों को आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन जो है सेट टेंजेंट टू लीनियर, लीनियर का मतलब ये होगा कि वो जो है डायरेक्ट, ठीक है, हमारा मूव होना जो है वो प्रॉपर शुरू हो जाएगा। तो आप ये देखो ये भी कर्व है, अब मैं इसको कर दूंगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगी। एंड उसके बाद आना हमें यहाँ पर एडिट पर, यहाँ पे मैं आना कंट्रोलर पर
यहाँ पे हम आएंगे आउट ऑफ रेंज टाइप, यहाँ पे हम करेंगे लूप एनिमेशन, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा। तो देखो ये पूरा मेरा 0 से 200 तक जो मेरी टाइमलाइन थी, ये पूरा अपना ग्राफ जो है वो बन चुका है। एक बार हम यहाँ पर शुरू करके देखते हैं, ये देखो, ठीक है। ये फैन की स्पीड जो मैंने आपको बताई थी कि आप यहाँ से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, लाइक अगर मैं इसको सीन के अंदर देखूँ तो ये अभी मेरे फिलहाल फैन की स्पीड है। बट आपको अगर तेज रखनी है तो जैसे हमने पहले यहाँ पर 20 पर किया था, ये भी मैं देख लेता हूँ एक बार कि ये होता है नहीं है ऐसे। यहाँ से मैं इसको 25 पर कर लेता हूँ। नहीं, वो हमें शुरू में ही प्रोसेस जो स्टेप है वो फॉलो करना होता है। तो आप ये देख सकते हैं जितनी स्पीड आप रखेंगे, लाइक मैंने काफी तेज रख दी थी, मैंने आई थिंक 10 पर रख दी थी, तो मेरा फैन जो है वो काफी यहाँ पर तेज मूव हो रहा है, ठीक है। बट मैंने आपको यहाँ पर एक एनिमेशन बनाना सिखा दिया है, तो आप अपने स्पीड के हिसाब से इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड आप इसका रेंडर निकालिए, अच्छा रेंडर निकालिए। लाइक अभी तो मैंने सिर्फ इसको पुराने सीन के अंदर डाल दिया है, बट इन फ्यूचर मैं इसको नए सीन्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। सेम ये चीज हम टेबल फैन के अंदर फॉलो करते हैं। अब देखो हमारी 3ds Max के अंदर तो है जो हमारी फैन की एनिमेशन है वो बन चुकी है। अब आप इसका आउटपुट रेंडर कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है कि हम यहाँ पर 3ds Max में निकाल ले, बट उसमें आपके 2 दिन भी लग सकते हैं और आपको पीसी काफी अच्छा चाहिए अगर आपको अच्छी क्वालिटी जो चाहिए 3ds Max वाली। बट मैंने जो ये रेंडर निकाला था, ये वाला, ये मैंने चाउस वेंटेज पर निकाला था, ठीक है। मैं अपनी इस एनिमेशन को चाउस वेंटेज पर ले गया था और वहां से मैंने उसका रेंडर कर कर इसको 2 घंटे में नॉर्मल HD क्वालिटी जो होती है वहां पर निकल गई थी मेरी, ठीक है, जो आप ये देख रहे हैं। तो अगर आपको वो भी सीखना तो मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे हम आएंगे, क्योंकि हमें ये वाली एनिमेशन जो अपनी वहां पर लेके जानी है, ठीक है। तो मैं अपना चाउस वेंटेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ये देखो चाउस वेंटेज जो है मेरा ओपन हो चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पर कैमरा 1 पर चेक करूंगा तो मेरी एनिमेशन भी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। ये देखो मैं अगर इसको ओके करता हूँ तो मेरा फैन जो है वो मुझे प्रॉपर यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आप इसके अंदर अपनी लाइटिंग वगैरह थोड़ी सी ठीक कर लेना। लाइक ये देखो ये धीरे धीरे अपने आप ही क्लियर होता रहता है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल रेंडर निकलेगा वो बिल्कुल आपके नॉर्मल रेंडर की तरह निकलेगा, अच्छा, एक अच्छी क्वालिटी के अंदर निकलेगा। अगेन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ये देखते हैं ये मेरी सिर्फ 6 सेकंड की वीडियो है, मैंने 20 सेकंड की वीडियो निकाली थी गलती से। तो ये 6 सेकंड की है, तो आपकी एटलीस्ट ये 1 घंटे के अंदर बड़ी इजिली निकल सकती है। अब आएंगे हम यहाँ पर, यहाँ से आप देखो क्या करना है आपको। अगर आपको इमेज निकालनी है, इमेज हमें नहीं निकालनी है, सीक्वेंस पे आते वीडियो बनानी होती है हमें, यहाँ से आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं अपना, 1280 मतलब कि HD रेजोल्यूशन है ये। उसके बाद यहाँ पर आप कर लीजिए इसको अल्ट्रा या हाई, जो आपका आपको लगे कि आपके PC के हिसाब से ठीक है, ठीक है, वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। देन लास्ट फ्रेम हम रख देंगे 200, ये हमारी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना हमारी एनिमेशन जो है वो बीच में रुक जाती है। हम इसको यहाँ पर फुल कर देंगे। एंड यहाँ पर आउटपुट फाइल जो हम करेंगे MP4, आप अपने इमेज की जहाँ पर आपकी वीडियो निकलनी है उसकी आप लोकेशन सेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो मैंने करी हुई है, लाइक आप देखते हैं डाउनलोड में ही निकलेगी मेरी। एंड यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप देखिए कि 6 सेकंड की वीडियो जो है मैक्सिमम 45 मिनट्स या 48 मिनट्स के अंदर आपकी इजिली निकल सकती है। तो ऐसे ही आप अपनी अलग अलग एनिमेशन बना सकते हैं, आप टेबल फैन की एनिमेशन बना सकती है, आप इस वाले फैन की एनिमेशन बना सकते हैं। एंड मैं धीरे धीरे और वीडियोज लाऊंगा जो एनिमेशन के ऊपर होगी। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो मेरे को काफ़ी टाइम से कह रहे हैं, लाइक उसमें बेड ऊपर आता है वो वाली एनिमेशन सिखाओ, तो वो मैं धीरे धीरे अब लाना शुरू करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।